दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं परवेज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में हम टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा पाइवट के टेबल और पाइवट। तो देखो, पहले क्या करेंगे, हमारा ये डाटा है, इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बता रहा हूँ, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल में आ जाते हैं। ये बोला है क्रिएट टेबल, पहले तो हमने ये रेंज ले ली, कहाँ तक रेंज है इसकी, फिर माई टेबल एज हेडर, यानी मेरे जो हेडर हैं वो मेरे पास हैं, यानी मेरे टेबल में हेडर मौजूद है। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। देखो, टेबल लेने से फ़ायदा क्या, इसका थोड़ा हमें कलर ये मेरा टेबल बन गया। अब टेबल बनने से फायदा ये है कि जैसे ही आप टेबल में क्लिक करेंगे, टेबल टूल्स बढ़ गए, अब डिजाइन में आ गया। डिजाइन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, फर्स्ट तो है डिजाइन कि आप इसकी स्टाइल चेंज करना है, तो कौन सी स्टाइल लेनी है आप, और इसके बाद है टेबल स्टाइल ऑप्शन, जो आपने स्टाइल ली है टेबल की उसका ऑप्शन। हेडर रो, अगर आपने हेडर रो हटा दी तो वो ऊपर की हेडर रो, और अगर आपने टोटल रो लगा दी तो नीचे एक टोटल रो आ गई। तो इसमें क्या है, हमारा यहाँ पे एक बटन बन के आ गया सम, तो हमारा टोटल। अभी हम यहाँ देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए काउंट करना चाहते हैं, ये यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं, काउंट भी कर सकते हैं कि 36 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोर फंक्शन, आप कोई और सा फंक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि मई में या जून में कितने हुए हैं, तो यहाँ से हम काउंट इस फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर सर्च कर लेंगे काउंट इन, वो करेंगे, काउंट के फॉर्मूला इसको ओके करेंगे, रेंज ले लेंगे हम। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा टेबल है इस टेबल का एक नाम होता है, काउंट के फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, रेंज है उसका एक नाम होता है, मतलब जो हमारे टेबल है उसका एक नाम है टेबल वन। तो हमारी रेंज क्या है कि हम टेबल वन के अंदर मंथ में देखें टेबल वन के अंदर, तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे इसमें, जो टी के बराबर में एक जो होता है ब्रैकेट टाइप का होता है, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो भी हमारा हेडर है, जैसे हेडर है हमारा लोकेशन वाला लेना है, कोर्स वाला लेना है, मंथ वाला, तो हमने मंथ वाला लेना है और वही उसके बराबर वाला बंद कर, जिससे रेंज हो गई। क्राइटेरिया ले लेंगे हम, जैसे मान लीजिए आप लेना चाह रहे हैं अप्रैल, एक रिजल्ट आपका काउंटेड मंथ में। अगर हम देखो इसके बहुत सारे ऑप्शन है, एक तो हमने 18 जोड़े यहाँ पे, 18 आए, हम इसका सम कर रहे हैं सबका, 0 आ गया, अप्रैल जितनी बार आया था उसका उसने टोटल लिया, 18 बार अप्रैल आया, ठीक है ना, क्योंकि अप्रैल मई जून ही है, मई जून भी यहीं से आया, बाकी तो अप्रैल ही है। तो ये टोटल वगैरह भी दिखा दिया इसमें, यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे भी लेना चाहो यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम टोटल बैंडेड रॉ, बैंडेड रॉ का मतलब क्या है कि लाइन बन के आ जाएगी, आप देखोगे ये लाइन आ रही है ना, बैंडेड कॉलम करोगे तो जितना बड़ा होगा टेबल उसके अकॉर्डिंग वो दिखा, फर्स्ट कॉलम डार्क हो जाएगा या लास्ट कॉलम डार्क हो जाएगा, मतलब बोल्ड हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल डाटा टेबल, एक्सपोर्ट शेयर लिस्ट, ये एक्सपोर्ट करने के लिए, फिलहाल इसकी कोई इतनी वो नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए होता है किसी दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने, है ना, ब्राउजर वगैरह में। और अब आ जाते हैं हम टूल्स हैं इसमें, समराइज पाइवट टेबल, रिमूव डुप्लीकेट, अब इसमें तो डुप्लीकेट ही डुप्लीकेट,
अगर हम रिमूव करेंगे तो सारे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे, तो रिमूव डुप्लीकेट तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज का मतलब टेबल से आप बाहर ले आएंगे। अब आते हैं हम समराइज विद पाइवट टेबल। देखो टेबल को रिसाइज करना है, तो मैंने ये बताया था कि टेबल रिसाइज यहाँ तक है 40 तक, आप इसको यहाँ से और आगे तक खींच लेंगे तो वहाँ तक टेबल का साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है ना। तो टेबल को रिसाइज करना है, टेबल का नाम सेट करना, जो आप नाम देना चाह रहे हैं वो नाम सेट करना। समराइज विद पाइवट टेबल इसमें आ जाएंगे, ये बोला है कि आपको पूरा ये टेबल सेलेक्ट करिए, टेबल या रेंज, या तो आप टेबल लें या उतना एरिया पहले सेलेक्ट कर लें जहाँ से जहाँ तक कि हमें एक पाइवट टेबल रिकॉर्ड बनानी है, तो वो टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया आ गया। तो ये था चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी उस डाटा को सेलेक्ट करो जिस डाटा को आपने एनालाइज करना है। अब सेलेक्ट टेबल और रेंज, हमने टेबल ले ली टेबल वन। अब ये पूछा है नीचे चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिकॉर्ड टू बी प्लेस, यानी कि आप वो जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आप पाइवट टेबल रिकॉर्ड देना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं। न्यू वर्कबुक, नई वर्कबुक में लेना चाहते हो, या यूज एग्जिस्टिंग वर्कबुक, एग्जिस्टिंग यानी इसी में ले सकते हो या नई शीट में भी ले सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि नई वर्कशीट में लें तो नई में ले लेंगे, और एग्जिस्टिंग में फिर हमें लोकेशन लेनी पड़ेगी, जैसे यहाँ लेंगे यहाँ पे आएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना करके नई शीट में। तो देखोगे आप ये वर्कशीट आ गई, ये पूरा हमारा पाइवट टेबल आ गया अगली शीट। अब देखें आप यहाँ पे जितने भी हमारे हेडर थे वो यहाँ पे आ गए, रिपोर्ट कॉलम रॉ वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू जितनी भी वैल्यू है इसकी, जैसे मान लीजिए हमें एडमिशन को गिनना है या जोड़ना है कि कितने एडमिशन है, तो एडमिशन को उठा के हम वैल्यू में ले आए, वो एडमिशन वैल्यू में आ गया, टोटल एडमिशन मिला जिसमें। अब हम महीने वाइज देखना चाहते हैं तो महीने को रॉ में जाए, अप्रैल में मई में जून टोटल इसमें करते हैं। इसके बाद हम कोर्स ले आएंगे, तो अप्रैल में ये वाले कोर्स, ये वाले और ये वाले। अगर हम इसको उठा के यहाँ ले आए, ये कॉलम में ले आए, तो कादराबाद में कालागंज जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके सबसे वही था। मंथ को अगर हम रिपोर्ट में ले लें तो रिपोर्ट में ले लें। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हो अप्रैल में, तो अप्रैल में आप देखना चाहते हो मई में, मई में आप इस अकॉर्डिंग देखना चाहते हो इसी तरह से देखें और देखना चाहते हैं ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो हमने इस तरह से बना लिया, अब हम इसको उठा के यहीं रख दें तब भी इस तरह से चल जाएगा, अलग अप्रैल मई का दिखा देंगे। तो ये पाइवट टेबल है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है इसमें, देखो ये पाइवट टेबल के टूल्स आ गए, डिज़ाइन आप इसका डिज़ाइन ले लो जो आप लेंगे, ब्रैंडेड रॉ कॉलम, कॉलम हेडर, रॉ हेडर, डार्क कॉलम हेडर हम चाह रहे हैं, रॉ हेडर चाह रहे हैं कि वो रहे, इसे डार्क करना उसे डार्क करना, ब्लैंक रॉ, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, हर एक के बाद एक ब्लैंक लाइन आ रही है। रिपोर्ट लेआउट कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म, आउटलाइन लेना तो इसमें आउटलाइन कॉम्पैक्ट इस तरह से आएगा, टेबलर फॉर्म इस तरह से आएगा, और ऑल आइटम लेवल क्या कॉम्पैक्ट चाहिए तो कॉम्पैक्ट, जॉइन टोटल ऑफ द रो एंड कॉलम, हर एक उसका ऑफ द रो कॉलम, ऑन द रो कॉलम, ये टोटल में लेकर चलें ग्रैंड टोटल, ऑन फॉर रो ओनली, तो रो का ओनली का हो सकता है। देखो आप इसमें देख रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये टोटल आता है, ये टोटल अब है सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल, तो सब टोटल जो है 20 हो जाएगा, सबका टोटल ऊपर शो करता है,
अप सब टोटल में तो ऑल सब टोटल एंड बॉटम ऑफ ग्रुप टॉप ऑफ ग्रुप, टॉप करोगे तो ऊपर शो करेगा, बॉटम करोगे तो नीचे शो करेगा। अब हमें सही लग रहा है कि नीचे वाला शो करें तो नीचे वाला, ठीक है। फिर इसमें और ऑप्शन है व्हील हेडर, व्हील हेडर हमें नहीं है लगाने, हटाने हैं रो हेडर कॉलम लेवल ये इतना हटाना। कोलैप्स इसमें बटन होता है प्लस माइनस का, इसको भी इसको कोलैप्स और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, एक्सपेंड कोलैप्स करेंगे तो वैसे जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे सब कुछ। फिर लिस्ट जिस साइड में लिस्ट आ रही थी ये हट जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसमें फील्ड लिस्ट वगैरह, अब इसके बाद है पाइवोट चार्ट, चार्ट लेंगे हम, चार्ट बना लेंगे यहाँ पर, जो हमें चार्ट लेना है उसको ग्राफ के हिसाब से या इसके स्केटर्स भी लेने, मान लीजिए सिंपल ग्राफ कर रहे हैं इसको ग्राफ बना लिया। तो ये एक्सेल जिस जिसके हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूरी वो उसका ग्राफ शो करेगा। अब इस ग्राफ के भी ऑप्शन रहते हैं, ग्राफ में कलर वगैरह करने हैं और हम चाह रहे हैं कि ये चार्ट नेक्स्ट पे चले जाए, तो मूव चार्ट न्यू शीट पे या न्यू ऑब्जेक्ट पे, न्यू शीट पे चले जाए चार्ट, खाली सिर्फ चार्ट चार्ट दिखाई दे। तो ये चार्ट अलग उसमें आ जाएगा। अब इसके चार्ट के ऑप्शन है, जैसे इसके कुछ लेआउट दे रखे हैं जो आपको सही लगे, हम चाह रहे हैं इसमें वैल्यूज आ जाए तो वैल्यूज का लेआउट है, और कुछ ये है और सेलेक्ट डाटा जहाँ से डाटा लिया है, स्विच रो डाटा कॉलम की रो बन जाएगी, रो का कॉलम सादराबाद बल्लू वाला और अलग अलग इस तरह से दिखा दिया तो जो इंस्टीट्यूट है हमारे उसके अकॉर्डिंग, और वैसे कर लेंगे तो यहाँ पे कोर्स दिखाएगा तो यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे फिल्टर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम चाह रहे हैं सिर्फ हमें काला करके देखें तो काला करके दिखाएगा, फिल्टर को क्लियर कर देंगे तो फिल्टर दिखा देगा। अब इसमें ये है टेबल के डिज़ाइन ऑप्शन, तो पहले हम कहाँ थे, टेबल में आए, टेबल से हम पाइवोट टेबल पहुँचे और पाइवोट टेबल से हम चार्ट में आए। चार्ट के लेआउट है, चार्ट के लेआउट आ गए आपके, जैसे फॉर्मेट सिलेक्शन, आप इसको क्या फिल करना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या फिल करना चाहते हैं, चाहे पैटर्न फिल हो जाए, जैसे हम चाह रहे हैं ये आ जाए, ये आ जाए, ये जो भी आप पैटर्न यहाँ से फिल करना चाहते हैं तो पैटर्न फिल कर सकते हैं। हमें सही लग रहा है कि ये वाला पैटर्न फिल कर, कलर जो हम कलर लेंगे वही कलर सेट हो जाएगा यहाँ पर, बैकग्राउंड जो देना चाहें वो दे सकते हैं। ये तो था हमारा पैटर्न वगैरह देना, बॉर्डर कलर ग्रेडियन लाइन। अब इसके बॉर्डर में या हम सॉलिड लाइन, वो लाइन आ जाएंगे उसकी, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चलेगा, बॉर्डर स्टाइल ये वाला बॉर्डर लेना। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जिसको सेलेक्ट करेंगे हम उसमें चलेगा। अब हम चाह रहे हैं इसमें जो है ये वाले जो है जितने भी हैं ये वाले हैं, ये वाले हैं, इन पे हमें कलर वगैरह करना है। तो इसमें फॉर्मेट सिलेक्शन, शेप फिल, अब हम चाह रहे हैं पैटर्न फिल करना है इसके लिए, ये वाले इस तरह से
जो आप पैटर्न से शुरू करना चाह रहे हो वो पैटर्न होगा। देखो मैं आज ये पैटर्न फिर हो गया इन वालों में, दूसरे वालों में पैटर्न फिर करेंगे। कोई और कलर लेना है वो कलर ले लोगे, जो चाहे आप वो कलर ले सकते। बॉर्डर कलर ऑटोमेटिक सॉलिड सॉलिड बॉर्डर दे रहे हैं आप ब्लैक कलर का, तो बाहर की साइड देखेंगे आप बॉर्डर भी आ गया। शेडो इस टाइप की शेडो ले रहे हो आप, नीचे शेडो भी आ जाएगी। शेडो का कलर आपने रेड कर दिया तो रेड आ जाएगा। शेडो आप इस टाइप से ले रहे हो तो स्ट्राइप्स आ जाएगी। तो ये सब बने बनाए हैं, इसमें आप ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें आप साइज की से सेट कर सॉफ्ट पेज और 3D फॉर्मेट में 3D भी कर सकते हैं। इसको स्ट्राइप से बनाएंगे। तो ये तो इसकी सजावट करने के लिए है। अब इसका हमें तरीका भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसे रिसेट टू मैच स्टाइल, रिसेट हो गया मैच स्टाइल। पिक्चर, कोई पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस पिक्चर में अब पिक्चर्स के टूल आ गए। अब आप पिक्चर्स में आए थे, पिक्चर्स के टूल आ गए। इसको आप क्रॉप कर सकते हो, काट वगैरह कर सकते हो और आप इसको चेंज पिक्चर कर सकते हो। फॉर्मेट पिक्चर के टूल में ले लो तो पिक्चर का फॉर्मेटिंग टूल है। कलेक्शन लेना है इसमें, ये पिक्चर यहाँ पे बीच में रख सकते हो कहीं पे, जैसे कोई पिक्चर आप रखा के कहीं पे रखनी है पिक्चर भी ले सकते हो आप। इसमें टेबल में हमारा लेआउट में शेप शेप वगैरह ले सकते हो, या कुछ मैसेज देना चाहते हो लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो। लेआउट कंप्यूटर सेंटर तो लिख भी सकते हैं उसमें। और चार्ट का टाइटल हम चाह रहे हैं कि कवर्ड ओवरले टाइटल, टाइटल चार्ट, ये टाइटल चार्ट आएंगे हमने कहा रखना है। चार्ट का जो टाइटल है उसकी जगह हम कुछ टाइटल और दे सकते हैं। एनालाइज ऑफ, यस एनालाइज कर देना। एनालाइज स्टूडेंट, ये चार्ट का टाइटल अबो चार्ट, चार्ट के अबो या फिर अब नन कर देंगे तो चार्ट का टाइटल नहीं है। एक्सेस टाइटल नन, नहीं तो क्या होगा, एक्सेस टाइटल आ जाए। आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं वैसे तो इसको नन भी रहने दें, अपने जो भरना लिखना है वो टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। लेजेंड्स, शो लेजेंड्स एट राइट, लेजेंड्स ये वाले राइट में शो होंगे, राइट में शो करना ये ज़्यादा बढ़िया है तो राइट में शो करना है। एट टॉप, लेफ्ट, बॉटम, कहाँ पे आप इसको करना चाहते हैं मतलब जैसे आप देखना चाहते हैं इसको कि भाई मुझे ये जो है यहाँ रखना है कहाँ रखना है उसके हिसाब से कर सकते हैं आप। डेटा टेबल, शो डेटा टेबल, डेटा टेबल भी शो होगी आप देखेंगे, ठीक है। शो डेटा टेबल और इसको नाम कर लेंगे डेटा, ये वाला डेटा जो यहाँ पे आ रहा था डेटा वो शो होगा। अब इसमें नन कर लेंगे, टेबल के नीचे का टेबल शो नहीं हो रहा। एक्सेस, राइट एक्सेस, एक्सेस जो टेबल था वो भी शो होना चाहिए। शो ये वाला एक्सेस चलता रहेगा हमारा, जिससे एक्सेस कब होता है यहाँ पे टेबल आ गया ये। तो ये सब वर्टिकल एक्सेस, डिफॉल्ट एक्सेस,
से यहाँ पे भी एक्सेस करेगा वो डाटा किस तरह से ले रहा है। और आपका ये हो गया हमारा, इसके बाद चार्ट की वॉल, शो चार्ट वॉल, और डिफॉल्ट कलर के मोर वॉल ऑप्शन, इसकी बॉल है अच्छी डिफॉल्ट कलर में आ रही थी, हम इसको अलग कर लेंगे तो बहुत पिक्चर को रिलीज करना है। ये लेआउट में ऑप्शन थे, 3D रोटेशन करना है इसको, रोटेट कर सकते हैं आप। और फॉर्मेट, सजावट करने के लिए इसकी, ये सब ऑप्शन जिस टाइम सजाना चाहते हैं उसे कर लेंगे वैसे हो जाएगा। अब एनालाइज फील्ड लिस्ट, इसकी फील्ड लिस्ट ये है, क्योंकि पाइवट टेबल भी है इसके साथ में। क्लियर, और क्लियर कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमने जिस शीट में हमने पाइवट टेबल बनाया था, कि डिज़ाइन और ऑप्शन आए थे, तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। और इसको अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे होंगे भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो उनको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखो ये आपका चेंज डाटा सोर्स, आप चेंज करना चाहते हैं डेटा सोर्स को चेंज कर सकते हैं। और रिफ्रेश, अगर आपने चेंज किया है कुछ, उसमें कुछ बदलाव किया है, टेबल बढ़ा है, तो आप उसको रिफ्रेश कर सकें, तो रिफ्रेश। और क्लियर, और सब क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट एंटायर पाइवट टेबल, सेलेक्ट वगैरह करने के लिए मूव पाइवट टेबल, अगर हम इसको मूव करना चाहते हैं तो बोला कि एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ भी मूव हो जाए, यहाँ पे मूव हो जाए, यहाँ पे हो जाए, या फिर नई शीट में आ जाए, तो मूव करने के लिए समराइज वैल्यू बाई सम के हिसाब से। अब जो हमारी वैल्यू है, हम चाह रहे हैं कि ये सम की जगह काउंट पे काम करे, तो ये गिनती करेगा कि यहाँ पे 6 एंट्री हो, टोटल 6 एंट्री, इंटरनेट की 3 एंट्री है, 3 एंट्री सम के हिसाब से काम करेगा। शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल परसेंटेज के हिसाब से आएगा, जैसे आपको नो कैलकुलेशन और डिफरेंट आपका जैसे रनिंग टोटल कोर्स का टोटल होते चलेगा, नो कैलकुलेशन कर देंगे कोई कैलकुलेशन नहीं। फील्ड आइटम सेट जो करेंगे हम, कैलकुलेट जो फील्ड करेंगे हमने, लोकेशन इश्यू, अभी हम इसमें क्या है, एक नया अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे हमने फील्ड वन की जगह यहाँ पे कोई और देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें आप अलग से देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे देना चाहते हैं डिस्काउंट, या फिर बोनस देना चाहते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जितने एडिशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20, यानी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोनस टैग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। इसमें हमने जो मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है एडमिशन से, इंसर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 200 ऐड कर देंगे, ओके करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ टोटल यहाँ पे एक बोनस का भी बनकर आ गया, वो क्या है, उसको जितने स्टूडेंट है उसके हिसाब से 200 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से उसको बोनस का देगा। ये आप देख रहे हैं बोनस आ गया, बोनस लगाना चाहोगे आप बोनस लगा लो, तो ये भी सामने आ गया। तो ये फील्ड आइटम सेट कर सकते हैं, पाइवट टेबल, ये पूरा फील्ड के हेडर वगैरह शो करने हैं, नहीं शो करने हैं, तो ये पूरा पाइवट टेबल का ऑप्शन है। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है, मैं फिलहाल बोनस लगाना चाह रहा हूँ या बोनस भी लगाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मंथ मेरे इस हिसाब से रहें, या फिर लोकेशन मेरी जो है वो यहाँ पर है, लोकेशन मैंने फिल्टर में ले ली है, लोकेशन यहाँ ले लूँगा, मंथ को न जिस हिसाब से आपने
लेना है उस हिसाब से ले सकते हैं। आप यहाँ रखना चाहो, इसको यहाँ रखना चाहो, रख सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन होता है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर बहुत बढ़िया काम करता है, फिल्टर का काम करता है। हम इसमें लोकेशन का स्लाइसर बना रहे हैं, कोर्स का बना रहे हैं, मंथ का बना रहे हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो लोकेशन भी हमने यहाँ पर ही ले ली, और इसमें हम खाली कादराबाद के देखने हैं तो कादराबाद का देखना दिखाएगा, कालागढ़ के देखने हैं तो कालागढ़ का दिखाएगा, कल्लू वाले का देखना है कल्लू वाला दिखाएगा, और जिस जगह हम इसमें जिस हेडर पे क्लिक करेंगे उसके ही टोटल लिखा, वहाँ पे टोटल लिखा। ये डाटा आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एडवांस एक्सेल के देखेंगे आप, इंटरनेट के, ऑफिस के, पहली मई के देखने जाते हैं, मई के जितने हैं, जून के जितने हैं, अप्रैल के जितने हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। तो ये पाइवट टेबल स्लाइसर, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके अलावा अगर हमने पाइवट टेबल एक और लिए, जैसे इस पाइवट टेबल को पाइवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कबुक लोकेशन दे दिया हमने, फिर फोर वाले में हमें यहाँ पर चाहिए वो वाले टेबल तो है, ये भी आगे साथ लोकेशन कोर्स एडमिशन, और इसमें एक चीज़ आई थी बोनस, बोनस क्या अब हम इसमें देखेंगे कादराबाद। अभी देखना आपने ये सिर्फ इस वाले टेबल पे काम करा, जब हम इसमें क्लिक करेंगे ऑप्शन में आ जाएंगे तो इसमें स्लाइसर के भी ऑप्शन हो रहे हैं, जो इसमें स्लाइसर में कलर वगैरह देते हैं। पाइवट टेबल कनेक्शन स्लाइसर की सेटिंग है, मंथ पे काम कर रहा है, डिस्प्ले हेडर मंथ और असेंडिंग ए टू जेड कैसे करना है ना। अब इसके बाद में पाइवट टेबल कनेक्शन हम चाह रहे हैं दूसरे टेबल से भी कनेक्शन हो जाए, तो आप देखेंगे अप्रैल मई। अब यहाँ पे तो हमारा फिल्टर लगा हुआ है, और ये वाला फिल्टर हटाएंगे हम, अप्रैल मई में कितने हैं, जून में कितने थे, वो सारे के सारे आपको एडमिशन दिखाते हैं। अब इसके बाद इस वाले टेबल का भी कनेक्शन हम कर देते हैं, टेबल टू पाइवट टेबल सेकंड से भी कनेक्शन कर सकते हैं, ओके कर लेंगे। इसी तरह से इसका भी कनेक्शन कर लेंगे पाइवट टेबल टू। तो मैं एडवांस एक्सेल पे देखने हैं कि ये बता देगा कौन सी जगह में कितने एडमिशन, और कल्लू वाला के देखने हैं तो उसको दिखा देगा किस चीज़ का एडमिशन। तो ये पाइवट टेबल था, और डेटा पाइवट टेबल फॉर्मेट टेबल था, पाइवट टेबल था, स्लाइसर था, और डेटा के चार्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें। तो इस तरह से हम रिपोर्ट्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। और मैं काफ़ी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था, इसके लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत चलेगी, लेकिन हम आगे को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल वाला बटन दबाएं
जिससे हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और जैसे मैंने इससे पहले कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाना बताया था, इससे अगले वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसको मैं दिखा देता हूँ। इससे अगले वीडियो में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको एक नया सा प्रोग्राम मैंने बनाया है, उसको थोड़ा एडिट किया है। ये मैंने वो एडमिशन वाला पहले आपको एक सॉफ्टवेयर टाइप का बनाना बताया था जिसमें यूज़र फॉर्म भी देखा होगा आपने, इस तरह का यूज़र फॉर्म, ये वाला यूज़र फॉर्म था। लेकिन अब मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है इसका, और थोड़ा सा तरीका और बढ़िया करके इसको बना लिया है। पहले क्या हो रहा था, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टेटमेंट निकालने में, कि जैसे व्यक्ति हमारा 9214 में मोहम्मद बिलाल है, अब बिलाल नाम के दो व्यक्ति हो जा रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, दोनों का स्टेटमेंट का टोटल भी एक साथ दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब हमने इसको रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीप्ट स्लिप में यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर का वो ऐड किया, अब रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से ये नाम को उठाएगा। और अब हमें जो कंपनी में फीस रिसीप वगैरह लेनी पड़ रही थी कि कौन सा कोर्स है, वो भी नहीं लेना पड़ेगा। तो काफ़ी शॉर्ट हो गया है ये, मैं आपको दोबारा से बनाना बताऊंगा, और इस बार मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह सब चीज़ निकालने बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।